हेलो फ्रेंड, आरवी कृषि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आज हम बनाएंगे बेसन का आलू पनीर चीला। फ्रेंड, चीला बनाने के लिए मैंने लिया बेसन। अब इसे हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, अजवाइन, मंगरैल, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्रेंड। अब फ्रेंड हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी। एक ही साथ फ्रेंड आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा ना, तो जो बेसन है उसमें गांठें पड़ जाएंगी। हमको बेसन को एकदम स्मूथ एकदम अच्छे से, मतलब इसमें ताकि गांठें ना रहें, ऐसा हम लोग को ऐसा बैटर तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बैटर को घोल लिया है। फ्रेंड अभी मेरा बैटर जो है गाढ़ा है, मैंने कम पानी डाल के इसको अच्छे से घोला ताकि इसमें गांठें ना रहे। अब इसमें हम और पानी डालेंगे, इसको मिलाएंगे। ये देखिए फिर मैंने बैटर को घोल लिया है। अब इसको फिर हम लोग 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा और सरसों का तेल डालेंगे। इसको मिलाएंगे फिर। जो मैंने पहले सरसों का तेल डाला था उससे हमारा जो चीला बनेगा वो खस्ता बनेगा, और जो अभी मैंने डाला है तेल उससे हमारी जो चीला है वो क्रिस्पी बनेगी, खाने में एकदम कुरकुरी रहेंगी। फिर आज ये चीला थोड़ा हट कर है। अब फिर हम लोग इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा, कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, बटर, घी, रिफाइंड, सब किसी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। फिर हमारा जो तेल गर्म हो जाएगा तभी इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सा राई। फिर मैंने जीरा और राई को डाला है, कटा हुआ मिर्चा और प्याज, साथ में कढ़ी पत्ता। ये देखिए फिर हमको प्याज को इतना ही भूनना है ताकि जब हम लोग चीला खाएंगे, बेसन आलू पनीर का चीला, वो खाने में बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। हल्दी पाउडर, नमक, नमक का कम डालिए, तो हमें बैटर में नमक डालना है। आधा चम्मच मसाला, सब्जी मसाला है, मिलाएंगे। अब हम डालेंगे आलू। अब फ्रेंड धनिया की पत्ती। फिर हम लोग मसाले को 10 मिनट खुला छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट है और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा, तवा रखा है, तवा पर मैंने थोड़ा सा पानी इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर 2-3 बूंद पानी ताकि जो हमारा तवा है नॉन स्टिक बन जाए। अब फिर हम डालेंगे बैटर को, इसको अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए फिर मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा जो चीला है अच्छे से निकल जाए। देखिए चीला आराम से निकल जा रहा है, मैंने साइड से ऑयल लगा दिया था उसकी वजह से देखिए निकल जा रहा है। अब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए इजीली मेरा चीला निकल भी गया। इसको हम पलटेंगे और उधर से हल्का पकाएंगे, फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और फिर इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए फिर मैंने दूसरे साइड से हल्का पकाया है। अब फिर इसके ऊपर हम रखेंगे अपने मसाले को। ये देखिए फिर मैंने मसाले को डाल दिया है, ग्रेटेड पनीर, थोड़ा धनिया का पत्ता। ये देखिए फिर हमारा जो चीला है मैंने उस पर मसाला डाला है, फिर पनीर, फिर थोड़ा सा धनिया की पत्ती। फिर चाहे तो आप इसके ऊपर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकालेंगे। बन तो तैयार हो गया, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। ऐसे ही फिर हम लोग अपने सारे चीलों को बनाएंगे। अब इसको फिर हम लोग मोड़ देंगे। चलिए फिर मैं आपको दूसरा चीला बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फिर हमारा दोनों चीला बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये देखिए देखने में कितना अच्छा इसका स्टफिंग है ना फ्रेंड। फ्रेंड चीले में उसका बैटर ही इंपॉर्टेंट होता है ना, उसका जो बैटर रहता है ना, ज़्यादा गढ़ा हो ना पतला हो। पतला रहेगा तो तवा पकड़ लेगा, मोटा रहेगा तो खाने में क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसलिए फ्रेंड आप लोग जब भी चीला बनाए तो उसका बैटर का काफ़ी ध्यान रखा करिए। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।